आज सितारों की महफिल में हम लाए हैं एक ऐसा मूवी के बारे में जो भारतीय सिनेमा की पहली बोलती फिल्म थी। जी हाँ, मैं बात आलमारा फिल्म का कर रहा हूँ जिसे अर्दशीर ईरानी ने तैयार किया था, परंतु दुख की बात यह है कि इस फिल्म को आप आज देख नहीं पाएंगे। इसका सीधा वजह यह है कि इसका एक भी कॉपी भारत सरकार के पास नहीं है, न ही किसी भी मीडिया हाउस के पास है। चलिए इस फिल्म के निर्माण से जुड़े कुछ पहलुओं पर चर्चा करते हैं। अर्दशीर ईरानी ने इस फिल्म को बनाने की प्रेरणा अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा शोबोर्ड देखने के बाद की थी। यह बात सन 1929 की हो रही है। हालांकि इस प्रकार की फिल्म बनाने का उन्हें कोई भी अनुभव नहीं था, फिर भी उन्होंने इस फिल्म को बनाने का निश्चय किया। इस कहानी को बॉम्बे के पारसी नाटककार जोसेफ डेविड ने लिखा था, परंतु स्क्रीन प्ले ईरानी साहब ने किया था। जब इस फिल्म के किरदार की बात आई तब उन्होंने जुबैदा को आलमारा की शीर्ष भूमिका के लिए चुन लिया, परंतु उनका पहला पसंद रूबी मोयर्स थी, लेकिन वो हिंदी और उर्दू बोलने में असमर्थ थी, जिसकी वजह से यह रोल जुबैदा को मिला। इस फिल्म के दूसरे किरदार मास्टर विट्ठल साहब थे, परंतु विट्ठल साहब उन दिनों शारदा स्टूडियोज़ के एग्रीमेंट के तहत काम कर रहे थे। एग्रीमेंट के उल्लंघन पर स्टूडियोज़ ने उन पर मुकदमा चला दिया और अंततः इस मुकदमा को मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें इतिहास में हम भली भांति जानते हैं, उनकी मदद से जीत लिया गया। और इस तरह विट्ठल साहब ने आलमारा में पुरुष भूमिका निभाने के लिए IFC में चले आए। इस फिल्म के अन्य कलाकारों में से एक कलाकार जो मशहूर अभिनेता पृथ्वीराज कपूर जी हैं। पृथ्वीराज कपूर जी इस फिल्म में आदिल के किरदार में दिखाई पड़ते हैं। आलमारा बनाने में लगभग 40,000 रुपये की लागत आई थी, जिसका फंडिंग बिजनेस टाइकून सेठ बद्री प्रसाद दुबे द्वारा किया गया था, जो आज के मुताबिक 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा होगी। क्योंकि इस फिल्म की शूट रात के समय 1 से 4 बजे के बीच हुआ करती थी, इसका कारण स्टूडियो के निकट रेलवे ट्रैक का स्थित होना था। इस फिल्म की दिलचस्प बात यह भी है कि साउंड रिकॉर्डिंग उन दिनों ईरानी साहब और उसके टीम के लोग नहीं जानते थे, इसलिए अमेरिकी विशेषज्ञ विल्फोर्ड डेमिंग को बुलाया गया था और आलमारा का संपादन एज़रा मीर ने किया था। और इसकी अंतिम रील की लंबाई बताई जाती है 10,500 फीट, अर्थात 3200 मीटर थी। इस फिल्म में ऐसा क्या कहानी था जिसे देखने बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठी भी भांज दी थी। यह बात 14 मार्च 1931 की हो रही है। यह देश की पहली सवाक फिल्म थी। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। एक राजा और उसकी दो पत्नियां नवबहार और दिलबहार निसंतान है। जल्द ही एक फकीर नवबहार से कहता है कि वह एक लड़के को जन्म देगी, लेकिन उसे मछली के गले में बंधा हुआ हार मिलना चाहिए जो केवल एक बार महल की झील पर दिखाई देगा। अगर वह चाहती है कि उसका बेटा उसके 18वें जन्मदिन पर न मरे, जन्म के बाद नवबहार ने लड़के का नाम कमर रखा। इसके अलावा दिलबहार का महल के सेनापति आदिल के साथ विवाहेतर संबंध है। बाद में राजा को इस बारे में पता चलता है और दिलबहार उसे बताता है कि आदिल जो पहले उसे बहकाता है, इसलिए राजा ने आदिल को गिरफ्तार कर लिया और उसकी गर्भवती पत्नी मेहर निगार को महल से निकाल दिया। निगार आलमारा को जन्म देती है और जब एक शिकारी उसके पति से जुड़ी जानकारी बताता है तो उसकी मौत हो जाती है। वही शिकारी बाद में आरा के लिए गोद लेने का काम करती है। दिलबहार नवबहार से ईर्ष्या करता है और फकीर के साथ उसके समझौते के बारे में जानता है। जब कमर के 18वें जन्मदिन पर हार दिखाई देती है तो वह चुपके से उसे नकली से बदल देती है, जिससे कमर मर जाता है। उसका परिवार हालांकि उसके शरीर को दफन नहीं करता है और फकीर की तलाश शुरू कर देता है कि क्या गलत था। कमर हर रात फिर से जीवित रहेगा जब दिलबहार उससे गले से हार को हटा देगी, और बाद में जब वह सुबह पहनती है तो वह खुद मर जाती है। इसके अलावा आरा अपने निर्दोष पिता की पीड़ा के बारे में जानती है, उसे जेल से रिहा करने की कसम खाती है। एक रात उस जगह की यात्रा पर आरा जिंदा कमर को देखती है और उसे प्यार करने लग जाती है। महल में हर कोई बाद में दिलबहार के बेईमानी के बारे में जानता है और अंत में
असली हार प्राप्त करता है। आदिल को रिहा कर दिया जाता है। इस तरह से फिल्म का अंत कमर और आलमारा के खुशी खुशी रहने के साथ होता है। इस फिल्म के कास्ट, कमर के रूप में मास्टर विठल साहब थे और फिल्म की नायिका जुबैदा आलम आरा के रूप में थी, और आदिल के किरदार में मशहूर नायक पृथ्वीराज कपूर थे, और फकीर के रूप में मोहम्मद वजीर खान को लिया गया था। इसके अलावा अन्य सहायक भूमिकाओं में मिस जीलू, सुशीला, एलिजर और जगदीश सेठी के साथ एलवी प्रसाद और याकूब ने काम किया था। पश्चिमी भारतीय शहर मुंबई में पुरालेख पालों के एक समूह ने वह बरामद किया जो अब पहली भारतीय बोलती फिल्म के साथ एकमात्र जीवित कड़ी प्रतीत होती है। बीबीसी भारत संवाददाता सौतिक विश्वास के द्वारा ये बताया गया कि एक पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता पुरालेख पाल और पुनर्स्थापक शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर के नेतृत्व में वे एक पुरानी मशीन पर ठोकर खा गए थे, जिसका उपयोग 1931 की फिल्म आलमारा, जिसका मतलब होता है विश्व का आभूषण, उसके प्रिंट बनाने के लिए किया गया था, जो गायब हो गई थी। शिकागो में बनी बेल एंड हॉवेल फिल्म प्रिंटिंग मशीन किराए की साड़ियां बेचने वाली दुकान में बेकार पड़ी थी। मूल रूप से फिल्म के निर्माता और निर्देशक अर्देशीर ईरानी के स्वामित्व में मशीन को बाद में नलीन संपत ने खरीदा, जिनके पास मुंबई में एक फिल्म स्टूडियो और एक प्रसंस्करण प्रयोगशाला भी थी। डूंगरपुर कहते हैं यह आलमारा की एकमात्र जीवित कलाकृति है, वास्तव में फिल्म में इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा। संपत ने मशीन खरीदने के लिए 1962 में 2500 रुपये दिए थे। उनकी प्रयोगशाला ने 2000 तक मुख्य रूप से राज्य के स्वामित्व वाले फिल्म डिवीजन द्वारा निर्मित फिल्म को प्रिंट करना जारी रखा। संपत कहते हैं यह सिर्फ एक और प्रिंटिंग मशीन थी, लेकिन इसमें बहुत भावनात्मक मूल्य था। सिनेमा के डिजिटल होने के बाद हमने इसका इस्तेमाल बंद कर दिया। पिछले एक दशक से डूंगरपुर व फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन चलाते हैं, जो मुंबई स्थित एक गैर लाभकारी फिल्म संग्रह है। सफलता के बिना आलमारा की एक प्रति खोजने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक कॉल भी किया। एक टिप ने अल्जीरिया में एक फिल्म संग्रह से पूछताछ की, जिसमें बताया गया कि इसमें कई पुरानी भारतीय फिल्में हैं, लेकिन अकाइव ने उन्हें आकर जांच करने को कहा, जो डूंगरपुर नहीं कर पाया। एक और मंत्रमुग्ध करने वाला सुराग ईरान में फिल्म अभिलेखागार में पाया गया। जिस समय ईरानी मुंबई में आलमारा की शूटिंग कर रही थी, उनका स्टूडियो फारसी भाषा में पहली बोलती फिल्म लोर गर्ल भी बना रहा था। डूंगरपुर कहते हैं ईरानी ने आलमारा और लोर गर्ल दोनों के लिए समान पृष्ठभूमि के अभिनेताओं का इस्तेमाल किया। आलमारा गायब हो गया है, लोर गर्ल ईरान के अभिलेखागार में अब भी उपलब्ध है। भारत के सबसे प्रसिद्ध फिल्म विद्वान और पुरालेखपाल पीके नायर ने एक बार कहा था कि उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया है कि आलमारा हमेशा के लिए खो गया है। नायर, जिनकी 2016 में मृत्यु हो गई, खुद फिल्म की तलाश में गए और ईरानी परिवार के जीवित सदस्यों से मिले। परिवार के एक सदस्य ने उसे बताया कि एक दो रिले कहीं आसपास पड़ी होंगी। एक अन्य ने कहा कि उसने इसमें से चांदी निकालने के बाद 3 रिलों का निस्तारण किया। आलमारा को नाइटेड फिल्म पर शूट किया गया था, जिसमें अन्य फिल्म बेस की तुलना में चांदी की मात्रा अधिक होती है। डूंगरपुर का कहना है कि हो सकता है परिवार के बुरे दिनों में पैसे कमाने के लिए फिल्मों को चांदी के लिए उतार कर नष्ट कर दिया गया हो। अनगिनत अन्य फिल्मों के साथ भी ऐसा ही था। फिल्मों को संरक्षित करने में भारत का रिकॉर्ड बहुत खराब है। 1912 और 1931 के बीच बनी 1138 मूक फिल्मों में से अधिकांश अब मौजूद नहीं है। पुणे में राज्य द्वारा संचालित फिल्म संस्थान ने इनमें से 29 फिल्मों को संग्रहित करने में कामयाबी हासिल की है। प्रिंट और नेगेटिव दुकानों, घरों, बेसमेंट, गोदामों और यहां तक कि थाईलैंड के एक सिनेमा हॉल में फेंके हुए पाए गए थे। फिल्म निर्माता मृणाल सेन को एक पुराने घर में एक पुरानी बंगाली टॉकी में प्रिंट मिले, जहां वो 1980 में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। लेकिन आलमारा सबसे महत्वपूर्ण फिल्म मानी जा सकती है और जो खो गई है। 1929 की हॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा सो बोट से प्रेरित हुए और थिएटर से बहुत अधिक खींची गई, क्योंकि कई शुरुआती बोलती हुई फिल्म थी। फिल्म एक पौराणिक साम्राज्य पर आधारित था, जिसे युद्धरत रानियों, महल की साजिश,
ईर्ष्या और रोमांस की ताबड़तोड़ कहानी के रूप में वर्णित किया गया था। ब्रिटिश फिल्म संस्थान ने इसे एक राजकुमार और जिप्सी लड़की के बीच प्यार के इर्द गिर्द केंद्रित रोमांटिक नाटक कहा। 124 मिनट के फिल्म को शोर से दूर रखने के लिए बंद दरवाजों के पीछे शूट किया गया था, जो ध्वनि में रिस सकता था। जिस स्टूडियो ने इसे शूट किया गया था वहां से मुंबई के रेल की पटरियां दिखाई देती थी, इसलिए चालक दल ने रात में शूटिंग की जब ट्रेनें नहीं चलती थी और कंपन से फर्श नहीं हिलता था। क्योंकि ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए कोई बूम माइक नहीं थे, माइक्रोफोन को अभिनेताओं के आसपास अविश्वसनीय स्थानों में रखा गया था, जो उर्दू और हिंदी में बात करते थे इस तरह से कि वे कैमरे से छिपे हुए थे। संगीतकार पेड़ों पर चढ़ गए या छिप गए और साउंड ट्रैक और गानों के लिए अपने वाद्य यंत्र बजाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस फिल्म में वजीर मोहम्मद खान ने उम्र दराज भिक्षु की भूमिका निभाई, जिसने पहला भारतीय फिल्म गीत गाया था। अर्देशीर ईरानी ने एक साक्षात्कार को बताया कि उन्होंने मिस्टर डेमिंग, एक विदेशी विशेषज्ञ जो हमारे लिए मशीन को इकट्ठा करने के लिए बॉम्बे आए थे, से साउंड रिकॉर्डिंग की मूल बातें सीखी। श्री डेमिंग ने निर्माताओं से प्रतिदिन 100 रुपए लिए, उन दिनों के लिए एक बड़ी राशि जिसे हम वहन नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने दूसरों की मदद से फिल्म को रिकॉर्ड करने का जिम्मा लिया, ऐसा उन्होंने कहा था। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को रिलीज हुई और हफ्तों तक बिकी रही। पुलिस को सिनेमाघरों के बाहर उत्तेजित भीड़ को नियंत्रित करना पड़ा। एक आलोचक ने कहा, बल्कि अप्रासंगिक कथानक ने ढेर सारे गीत और नृत्य श्रृंखलाओं को एक साथ रखने के लिए एक तार की तुलना में थोड़ा अधिक कार्य किया। फिल्म की नायिका जुबैदा, जिसने मासूमियत को कामुकता के साथ जोड़ा, एक बहुत बड़ा आकर्षण था। फिल्म देखने वाली प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना सितारा देवी ने याद किया कि यह एक विशाल सनसनी थी। देवी ने डूंगरपुर से कहा, शीर्षक कार्ड पढ़ने के बाद लोग मूक फिल्में देखने के आदिक हो गए थे, अब पात्र बोल रहे थे, लोग थिएटर में कह रहे थे कि आवाज कहां से आ रही है। तो आलमारा के अवशेष कुछ तस्वीरें, पोस्टर और एक प्रचार पुस्तिका है। यह पुस्तिका शहीद हुसैन मंसूरी के पास है, जो मुंबई में फिल्म सामग्री बेचने वाली दुकान के मालिक है। यह लगभग 60 वर्षों से हमारे साथ अधिक है। मैंने सुना है कि यह केवल एक ही उपलब्ध है, वास्तव में आज कोई भी इन चीजों का मूल्य नहीं जानता। इस फिल्म में 7 गाने थे। पहला गाना दे दे खुदा के नाम पे, दूसरा बदला दिलवाएगा ये रब, तीसरा रूठा है आसमान गुम हो गया है महताब, चौथा तेरी कातिल निगाहों ने मारा, पांचवा दे दिल को आराम आए शकी गुलफाम, छठा भर भर के जाम पिला जा सागर के छलाने बला, सातवा दरस बिना मरे है तरसे नैना प्यारे। इस तरह भारतीय सिनेमा के इतिहास की अमूल्य धरोहर आलमारा, जो 14 मार्च 1931 को रिलीज हुई और अपनी यात्रा करते करते थक गई और हमेशा के लिए खामोश हो गई। हैरानी की बात है कि विश्व की पहली बोलती फिल्म द जाज सिंगर की मूल प्रिंट अब भी सुरक्षित है और इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में देखा भी जा सकता है, जहां भारत की पहली बोलती फिल्म चुप सी दिखाई देती है, जिसने आज की बनने वाली फिल्मों को प्रेरणा दिया, उसे खुद संभाल कर रखा नहीं जा सका। उम्मीद है ये वीडियो आलमारा आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना न भूलें।